गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ देहरादून के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली नोएडा में, और देहरादून बेसिकली हूँ भी मैं उत्तराखंड से ठीक हुई और देहरादून गए हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट बहुत सी मेमोरीज है मेरी देहरादून में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अभी मैं खड़ा हूँ कश्मीरी गेट बस अड्डे पर, यहाँ से मैंने अपनी बस लेनी है और मैंने जाना है सीधा देहरादून। और फिलहाल तो अभी आप देख रहे हो कि मैं अकेला हूँ, पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा की तरह दो नमूने और हैं। जिनको पता है उनको पता है वो कौन है, जिनको नहीं पता है उनको बहुत जल्दी मैं आप मिलवाऊँगा अपने दो दोस्तों से। तो मिलते हैं आपसे आगे स्टेडियम। मेरे दिल को दुआ दीजिए। ओ गाइस, अभी हम देहरादून पहुंच चुके हैं और चाय की चुस्की ले रहे हैं। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं बताऊंगा नहीं कितना टाइम हो रहा है, वरना घर वाले बहुत गाली बकेंगे, कहेंगे साला आवारा जब भी वो घूमता रहता है। लेकिन यहाँ आते आते एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रेजेडी हुई है, तो जिसके साथ ट्रेजेडी हुई है पहले मैं उससे मिलवा देता हूँ। वेलकम। हेलो गाइस, मुझे आज हाय गाइस बोलने का मन तो नहीं कर रहा है। क्या हुआ गंडारी आज हमारे साथ? एक्चुअली गाइस, मेरा वॉलेट खो चुका है। खो चुका तो मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई। मुझे खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि वॉलेट चोरी होने से पहले ही इसका जो जितना भी कैश था वो मैंने अपने पास रख लिया था। किस्मत भगवान अपने साथ है। पर पूरी तरह से नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है और क्या मस्त धूप आ रही है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी रेंट पे लेने। बेसिकली क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्कूटी थी जो कि कंडारी की है, और सेकंड स्कूटी लेने के लिए अभी हम जा रहे हैं प्रिंस चौक। हम बोले तो सिर्फ मैं, क्योंकि सूरज और सृष्टि ऑलरेडी स्कूटी पे वहाँ पहुँच चुके हैं। We have reached the destination. आ जाओ, वो पीना गोला गोला। गाइस मैं अंदर गानू भी लगा रहा हूँ गाइस। हेलो। कौन है? देखियो छपरी ने बस रेड कलर लग रहा है यार मुझे। तीन शब्द इंग्लिश के। चलो शूज दिखा आपने, आगे से ले लेंगे ये।
किस पे ज्यादा सूट कर रहा है? कमेंट डाउन, कमेंट डाउन। बाल बड़े नहीं है, बाल बड़े हैं, मतलब बाल छोटे होते हैं, सेट होते हैं, ज्यादा सूट और दाढ़ी होती तो और। थोड़ा डाउट हो रहा है मतलब अपने आप पर। सो फाइनली गाइस, आज हम आए हैं रॉबर्ट केव। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आज एक तो पब्लिक भी अच्छी खासी आ रही है भाई। हाँ ए बोई यार, मैं चश्मा पहनूं क्या? पहन लेता हूँ एक बार। कमेंट सेक्शन पे बताना गाइस कि कैसा लग रहा है। काफी टाइम बाद आया हूँ आज मैं रॉबर्ट केव में। फाइनली अभी हम रॉबर्ट केव के अंदर है, ऑल्सो नोन एज गुच्छू पानी। और सूरज और सृष्टि पता नहीं कहाँ रह गए हैं फोटोज क्लिक कराते हुए, बट ट्रस्ट मी यार बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और मैं बहुत टाइम के बाद आज यहाँ आया हूँ और बहुत से चेंजेस भी हो गए हैं। बाहर शॉप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, 5D हॉरर मूवीज वगैरह जो होता है वो बाहर पर आ चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment. तो यहाँ साथ ही साथ थोड़ा सा फोटो शूट भी चल रहा है गंडारी का, but here we go. अलग सुकून है, अलग वाइब है, वाइब है, वाइब है, बोले तो हार्ट, उसमें तो हाइप है, हाइप है, हाइप है। जा, go. Where are you? हाँ हाँ बोल दी ना। तो अभी हम एक बहुत एग्जॉटिक लोकेशन पे हैं, मतलब मेरे लिए तो है यार। तो अभी हम यहाँ पे मैगी खाने वाले हैं और मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ यार, व्यू मतलब पिंच एकदम। अरे देख ले थी, कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी हम गुच्छू पानी से निकल चुके हैं, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करा है यहाँ पे, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करा है। और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह यार। मतलब मेरा बेसिक प्लान तो ये है कि सारी जगह, जितनी ज़्यादा जगह मैं कवर कर दूँ उतनी ज़्यादा जगह कवर करूँ। तो फर्स्ट स्टार्टिंग हमने की थी गुच्छू पानी से,
अब हम जाएंगे सेकंड लोकेशन पे, जो कि बहुत जल्दी आपको पता लगने वाली है कौन सी है। चले हाय दोस्तों। तो यार बेसिकली जैसे कि मैं अभी अपनी वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि मैं आउट्रो देना तो भूल ही गया हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली गुच्छू पाने के बाद हमारा प्लान किसी दूसरी लोकेशन में जाने का था, बट हम किसी रीज़न से नहीं जा पाए। और ये रहा आज का वीडियो, आप देखिए इन्जॉय कीजिएगा। और जल्दी मेरा दूसरा देहरादून का पार्ट टू आने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करेंगे यार उतना मेरे को अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बाय।